तो फ्रेंड्स, करेले तो आपने कई बार खाए होंगे, आप घर में करेले बनाते भी होंगे, भरवा भी बनाते होंगे, नॉर्मल करेला भी बनाते होंगे। एक बार आप मेरे तरीके से करेला बना के देखिए, क्या पता आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है भरवा करेले, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोगों को कैसे लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी किचन में, बनाते हैं भरवा करेले। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्याज के भरवा करेले। तो फ्रेंड्स, भरवा करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 से 8 करेले लिए हैं। इनको अच्छे से पील कर लिया। इसके पील को हम इसमें नहीं डालेंगे, और बीज भी इसमें अधिकतर पके हुए थे तो मैंने वो भी नहीं लिए, तो 2-4 बीज बचे थे बस, सिर्फ वही यूज़ किए। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं प्याज से स्टफ भरवा करेले। फ्रेंड्स, उसके लिए अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ और बनाते हैं अपने भरवा करेले। मैंने सारे करेलों को छील लिया है, इनका पील हटा दिया है, और इसमें एक बीज से ऐसे कट लगा के इसमें जो बीज थे उन सबको बाहर निकाल लिया है। जो पके हुए बीज थे ज़्यादा ही, उनको अलग कर दिया है, जो 2-4 बचे थे वो ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं अपनी गैस की तरफ और बनाते हैं इन करेलों को। मैंने एक कढ़ाई को गैस पे रखा है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। इतना ऑयल डालना है कि हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो जाएं। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है, अब हम एक एक करके सारे करेलों को इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेंड, इन्हें पलटना नहीं है जब तक ये एक साइड से फ्राई नहीं हो जाते, हम इनको बिल्कुल नहीं पलटेंगे। जैसे ही ये एक साइड से फ्राई होंगे हम इनको वापस से पलट देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे करेले उस एक साइड से अच्छे से हो गए हैं, अब हम इनको दूसरी साइड पलट देंगे। इस साइड से भी अच्छे से सिकने देंगे। ये देखिए हमारे ये करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन करेलों को निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे करेलों को इसमें ऐड कर देते हैं। इनको भी इसी प्रकार से फ्राई होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ये करेले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। करेले के लिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। जीरा डालने के बाद थोड़ी सी राई ऐड करेंगे। राई डालने के बाद थोड़ी सी कलौंजी ऐड करेंगे। और फिर हमने जो प्याज चॉप करके रखी है, मैंने यहाँ पर 3 से 4 प्याज को चॉप करके रखा था, मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से पिंक होने तक भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी प्याज धीरे धीरे भुनने लगी है। अभी हमें इसको थोड़ा सा और भूनना है ताकि हमारी प्याज का जो स्मेल है वो चली जाए और इसमें एक मीठा सा फ्लेवर आ जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से पक गई है, अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च को लंबा काट के इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी हरी मिर्च भी अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, चम्मच चाट मसाला, 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर और 4 से 5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 2 बड़े चम्मच सौंफ इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी, हमने ग्रीन चिली पहले ही डाली है,
अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे ओनली कलर आएगा, इससे करेले का जो स्टफिंग है वो तीखी नहीं होगी। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे कि हमारे करेले का फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाएंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कप किशमिश और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो उसमें बीच बीच में किशमिश की बाइट्स आएंगी तो खाने में करेला और भी टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, हमारा मसाला तैयार है। अब हम इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और बाकी मसाले को हम कढ़ाई में ही रहने देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने सारे करेलों को अच्छे से भर दिया है। अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। फ्रेंड्स, हमने मसाला तैयार किया था, उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। उसे 3 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी लिड को हटा के देखते हैं। फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा भरवा करेला बिल्कुल तैयार है। आप इसे पूड़ी, रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी अच्छे से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। लीजिए, हमारा भरवा करेला सर्व करने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।